वाकया मैं अपने तजर्बे का कई दफा बयान कर चुका हूँ, लेकिन इस मौके पर ऐसा जिस्मा होता है कि फिर भी बयान करने में हर्ज नहीं, क्योंकि जकीर का माना एक ये भी है कि बाद अच्छी बातों को बार बार बयान करो, वो किसी न किसी वक्त असर दिखा जाती है। मैं जब वक्फ जदीद या खुदाम के सिलसिले में दौरे किया करता था तो ये नसीहत किया करता था कि अगर आप किसी को नमाज की तलकीन करते हैं तो करते चले जाएं, ये न समझें कि वो जाया जाएगा और ज़रूर फ़ायदा होगा। ये बात मैं कहा करता था और अक्सर लोगों ने या कुछ ने तो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाया होगा, मगर एक मौके पर मुझे याद है कि जब मैंने ये कही तो मुझे बाद में मजलिस के बाद एक साहब मिले, उन्होंने कहा मैं इस बात का गवाह हूँ कि आपकी बात सच्ची है। वो कहते हैं मैं सियालकोट हुआ करता था उस वक्त, वो जब मुझसे बात हुई उस वक्त सियालकोट छोड़ चुके थे, सियालकोट में रहता था और मैं एक शख्स को बाकायदा नमाज के लिए जगाता था, मस्जिद के करीब उसका घर था, वो आता नहीं था और हर रोज़ मैं जाकर उसको जगाता था। यहाँ तक कि एक दिन वो घबरा कर बाहर, पहले तो कहा करता अच्छा शुक्रिया शुक्रिया मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ, फिर जरा सख्ती शुरू हो गई, अच्छा बस करो ठीक है सुन लिया है अब और न तंग करो। एक दफा वो बड़े गुस्से से बाहर निकला कि खबरदार है अब मेरा दरवाज़ा खटखटाया, तो मैं समझा कि वो बात गलत ही निकली ना, आप तो कहते थे नसीहत करो ज़रूर फ़ायदा देगी, मैं कुछ भी नहीं फायदा हुआ। कहता फिर एक अजीब वाक्या हुआ, एक दफ़ा सर्दियों की सख्त ठंडी रात, बारिश हो रही थी, मैं मस्जिद में बमुश्किल पहुंचा, कोई नमाजी और नहीं, एक शख्स भीगा हुआ कंबल में लिपटा हुआ बैठा था। मैंने कहा आओ उठो हम ही नमाज पढ़ते हैं, उसे जब चेहरा उठाया तो वही शख्स था। तो हैरान रह गए, भैया तुम आज के दिन? उसने कहा बात यह है कि जब तक तुम दरवाज़ा खटखटाते रहे मैं बदतमीजी करता रहा, मगर जब वो आवाज़ आनी बंद हो गई तो मेरे दिल पे ऐसी दस्तकें हुई और इतना मैं शर्मिंदा हुआ कि मैं खुदा से दुआएं करता रहा कि ऐ खुदा उस नेक बंदे को जजा दे जो मेरी तकलीफ दे बातें सुनकर भी हिम्मत नहीं हारता था और मेरे दरवाजे खटखटाता था। खुदा ने एक दिन मुझे तौफीक बख्शी, इस अजीम अज़्म की तौफीक बख्शी कि मैंने फैसला किया कि अब मैं कोई नमाज बाजमात मिस नहीं करूँगा और आज देख लो मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का रंग इख्तियार करें, आपकी औलाद क्या चीज़ है, सारी दुनिया आप ही की औलाद बन जाएगी, कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि इस नसीहत की राह में सद बन सके, रोक बन सके, ये तो सब रोकों को फलांगने वाली ताकत है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत में शामिल है और खुदा की अता करता है। बस सब्र के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, रहम के साथ ऐसी नसीहतें अपनी औलाद को करें कि वो तमाम दुनिया के लिए नमूने बन जाएं।